Hello kids, welcome back once again. I hope you all are doing an excellent work at your home. So today I'm going to teach you maths and my topic is counting, that is 251 to 300. And first of all, pay attention whatever I am saying ki aapko इस वर्क को या जो भी हमारी वीडियोस होती हैं उस वर्क को आपको फेयर नोटबुक्स में 2 times करना है, एज वेल एज आप उसकी प्रैक्टिस रफ नोटबुक में भी कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ लुक एट दैट बुक्स आई हैव मेड दिस ग्रीड एंड यहाँ पर आप देखिए HTO, फिर उसके बाद मैंने 1 block लीव किया है एंड HTO, फिर 1 box को लीव किया है, अगेन HTO और 1 box को लीव किया है. तो आपको भी ऐसे ही करना है और काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ऊपर HTO मेंशन करना है. अब जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 251 टू 300, ये हमारी जो काउंटिंग है 100 नंबर्स वाली है, तो इसलिए हम इसके ऊपर HTO लिखते हैं. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग. So you all have to speak after me. 251. ये हमारी 5 की लाइन है और हम बोल रहे हैं 251. 50 it means आपको पता चल जाएगा कि 50 अगर आ रहा है तो हमारी 5 वाली लाइन स्टार्ट हो रही है. 251. 200 means 2. 50 it means you have to write 5 and 1. Okay? 252. 253. यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट लिविंग एनी बॉक्स, बट आपको 1 line को लीव करना है. 254. 255. 256. लुक एट हियर नाउ 257. और मैम ने आपको बताया था ना, जब भी हमें काउंटिंग लिखनी है तो हमें स्पीक भी करना है, हमें बोलना भी है और लिखना भी है. उससे आपको उसका बेनिफिट ये है कि आपको काउंटिंग लर्न भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. 258. 259. अब जो हमारा लास्ट नंबर होता है उसमें कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी 2 की लाइन स्टार्ट है तो नीचे 2 और आफ्टर 5 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट नंबर इज 6. तो हमें यहाँ पर आफ्टर नंबर लिखना होता है, तो 5 के बाद 6 एंड 0. 200. अब हमारा नीचे 60 है तो 60. अब हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी 262. सेम मेथड, 200 इट मीन्स 2, 60 इट मीन्स हमारे पास 6 की साउंड आ रही है तो हमें 6 लिखना एंड 1. ओके, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269. अब आप मैम को बताएंगे कि हमारा लास्ट नंबर क्या आएगा, इट मीन्स 2, तो हमें नीचे 2 लिखना है एंड 6 के बाद आप बताइए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हम नीचे लिखेंगे 7 एंड 0, 70. ओके, नाउ माय नेक्स्ट लाइन इज 200. अब नीचे 70 हमने लिखा है, देन 71. 270. अब मैम 70 बोल रही है तो आपको पता चल रहा है ना, 70 इट मीन्स हमारी अब कौन सी लाइन स्टार्ट हुई है, 70 वाली लाइन. 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
and the last number is 200 after 7, 8080. Okay, now my next line is 281. अब आपको पता चल गया 281 मैम बोल रही है, तो इट मीन्स हमारी 8 वाली लाइन स्टार्ट हो गई है. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, and after it 290. Is that okay? Now my last line is 291. 90 में आपको 9 की साउंड आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी 9 वाली लाइन स्टार्ट हो गई. 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299. अब ये लास्ट नंबर है, तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा. अब इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर है 2, सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे लास्ट नंबर 99 आ गया है, तो हमारा सबसे पहले ये वाला नंबर चेंज करेंगे. तो आफ्टर 2, 3, 9 के बाद 0 एंड 9 के बाद अगेन 0, तो ये हमारा लास्ट नंबर है 300, 3, 0 एंड 0. ओके, so you have to do this work in your notebook, in your fair notebook, 2 times, and you can practice it in your rough notebook also. Okay, so make it learn also. Now goodbye.